I, M.M. Patel, welcome you to this session. To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिया गया है एक सम। सम में 9 लेटर्स हैं। सम है ए बी सी प्लस डी ई एफ प्लस जी एच आई शुड बी इक्वल टू 900। अब आपको दिए गए हैं 1 से लेकर के 9 तक के अंक। हर लेटर का एक मूल्य होगा। आपने हर लेटर को एक डिजिट के रूप में मूल्य देना है ताकि टोटल आए 900। याद रखिए, हर अंक को यूज करना है। इसका अर्थ है कोई भी अंक दो बार यूज नहीं होगा। टोटल लाने के बाद आपने और एक प्रश्न का उत्तर भी देना होगा। कितनी बेसिक पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी बेसिक संभावनाएं हैं। बेसिक पॉसिबिलिटीज से मेरा अर्थ है, हम यदि एक कॉलम को पकड़ लें, उदाहरण के लिए सी एफ आई, यदि सी एफ और आई का मूल्य हम लाते हैं 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। अब सी के लिए हमने लिखा 1, एफ के लिए 2 और आई के लिए 3। उसके बदले में यदि हम इन मूल्यों को ऊपर नीचे कहीं भी लिखें, फॉर एग्जाम्पल सी के लिए 1 के बदले हम 3 लिखें, एफ के लिए 2 के बदले हम 1 लिखें और आई के लिए 3 के बदले हम 1 लिखें, तो भी उत्तर में 900 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने यहां पर डिसाइड करने हैं 3 कॉलम के 3 नंबर्स। तो हमने यहां पर डिसाइड करने हैं 3 कॉलम के 3 डिजिट। वे डिजिट इंटरचेंज हो सकते हैं। बेसिक सॉल्यूशन का अर्थ हुआ तीनों कॉलम के लिए हमने 3 नंबर निकाल देने हैं। यदि आप चाहें तो पिछली पजल देख सकते हैं, उत्तर के लिए गाइडेंस मिलेगा। यदि आप चाहें तो पिछली पजल देखे बिना सॉल्व कर सकते हैं, फिर उत्तर देख सकते हैं। तो चलिए हम लॉजिकल सॉल्यूशन को देखते हैं। लॉजिकल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले किसी भी कॉलम के 3 अंकों की पॉसिबिलिटीज हमने देखनी पड़ेगी, ताकि पहले कॉलम का टोटल 0 मिले, दूसरे कॉलम का टोटल प्लस कैरी फॉरवर्ड ऐड करने के बाद 0 मिले और आखिरी कॉलम के टोटल में एडीजी के साथ यदि हम कैरी फॉरवर्ड को जोड़ें तो हमें मिले 9। अब हमें जितनी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी उनमें जो नंबर मिलेंगे उन सारे डिजिट्स को जोड़ें तो जोड़ मिलना चाहिए हमें 45। वही पॉसिबिलिटी सही पॉसिबिलिटी होगी, बाकी पॉसिबिलिटीज को हम इग्नोर करेंगे। तो चलिए हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं। 4 पॉसिबिलिटीज संभव है, P1, P2, P3, P4। C प्लस F प्लस I शुड बी इक्वल टू इधर 10 और 20, क्योंकि 0 लाना है। यदि सी एफ आई का टोटल होगा 10 तो कैरी फॉरवर्ड होगा 1 और सी एफ आई का टोटल होगा 20 तो कैरी फॉरवर्ड होगा 2। अब बी ई एच को देखें तो बी प्लस ई प्लस एच या तो 9 होगा या 19 होगा या 8 होगा या 18 होगा। उसी तरह से ए प्लस डी प्लस जी 8 होगा पहली पॉसिबिलिटीज में, दूसरी पॉसिबिलिटीज में 7 होगा क्योंकि कैरी फॉरवर्ड के 2 जुड़ेंगे, तीसरी पॉसिबिलिटीज में 8 टोटल होगा क्योंकि कैरी फॉरवर्ड 1 है, और लास्ट चौथी पॉसिबिलिटीज में ए प्लस डी प्लस जी होगा 7 क्योंकि कैरी फॉरवर्ड के 2 जुड़ेंगे। 4 पॉसिबिलिटीज आई, चारों पॉसिबिलिटीज से हमें ए टू आई 9 लेटर्स के अंकों का सम मिलता है। यदि हम सम ले तो हमें सम मिलते हैं 27, 36, 36 एंड 45। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3 संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी 4 संभव है।
इसलिए C प्लस F प्लस I होगा 20, B प्लस E प्लस H होगा 18 एंड A प्लस D प्लस G विल बी इक्वल टू 7। अब हम बेसिक सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। हमें पता है कि C प्लस F प्लस I विल बी इक्वल टू 20, B प्लस E प्लस H विल बी इक्वल टू 18 एंड A प्लस D प्लस G विल बी इक्वल टू 7। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें 20 के कितने कम्बिनेशंस मिलेंगे, 1 से लेकर के 9 तक के अंक यूज करके, 18 के कितने कम्बिनेशंस मिलेंगे और 7 के कितने कम्बिनेशंस मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सबसे पहले हम 20 के कम्बिनेशन निकालें या 18 के निकालें या 7 के निकालें? मेरा अनुभव है, जब मैं क्लासरूम में ये प्रश्न पूछता था तो कुछ लोग बोलते थे, सर 20 से चालू करेंगे, क्यों 20 आपने पहले लिखा है तो 20 से शुरू करते हैं, फिर 18 निकालेंगे, फिर 7 का निकालेंगे। मैं रोकता था उनको और बोलता था, सोचो क्यों 20 का शुरू करना, क्यों 7 का नहीं शुरू करना। फिर कुछ लोगों को समझ में आता था कि हमने 7 से शुरू करना चाहिए, क्योंकि 7 हमें मिलेगा सिर्फ एक कम्बिनेशन में, 7 विल बी इक्वल टू 1, 2 एंड 4। अब 1, 2 एंड 4 गए, हमारे पास बच गए बाकी 6 अंक। 20 और 18 के कम्बिनेशन बाकी 6 अंक से ही हमें निकालने हैं, उनमें 1, 2 और 4 का यूज करना ही नहीं है, तो प्रोसेस छोटा हो जाएगा। तो 7 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4, 18 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 9, 3 प्लस 7 प्लस 8, 5 प्लस 6 प्लस 7 एंड 20 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 8 प्लस 9, 5 प्लस 6 प्लस 9 एंड 5 प्लस 7 प्लस 8। अब हमने इन कम्बिनेशंस में से जोड़ी सेलेक्ट करनी है। 3 पॉसिबिलिटी यहां पर दिखती है, क्योंकि 18 के भी 3 कम्बिनेशंस हैं, 20 के भी 3 कम्बिनेशंस हैं। अब 3 पॉसिबिलिटीज में पहली पॉसिबिलिटीज एडीजी 1 टू 4, बीईएच 369 एंड सीएफआई 578 सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज 1 टू 4, 378 एंड 569 सॉल्यूशन दिखा। तीसरी पॉसिबिलिटीज 1 टू 4, 567 एंड 389 सॉल्यूशन आप फिर देख सकते हैं। इसका अर्थ है 900 का टोटल पॉसिबल है और हमें मिलते हैं 3 बेसिक सॉल्यूशंस। चौथा सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। आप सीख रहे हैं प्रोसेस, प्रोसेस सीखते सिखाते हम इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा टारगेट है 501 पजल और हम पहुंचे हैं सिर्फ 21 पर। यात्रा जारी रखेंगे, अगली पजल में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।